नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, और मैं हाजिर हूं उर्दू का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर। हम इस सेशन को शुरू करेंगे। वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन विद द मैसेज ऑफ G20। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. So with this announcement, would like to begin this session. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। मगर वो टूट गई, ये शीर्षक है हमारे आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ी हुई हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराता हूं उनसे। मिस अंसारी बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई से हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। आपका एक बार मैं फिर से इस्तकबाल करता हूँ। बताएं कि आज आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रही हैं, चूँकि कक्षा 9 है, और ये क्या है जिसके बारे में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, वो मगर वो टूट गई, ये क्या है? सबसे पहले तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, तबस्सुम अंसारी का। आज का जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो एक अफसाना है जो आपकी ही दर्जी किताब नवाए उर्दू से माखूज किया गया है। ये अफसाना मगर वो टूट गई सोलेहा अबिद हुसैन का लिखा हुआ अफसाना है। सोलेहा अबिद हुसैन ने बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही पैराए अंदाज में इस अफसाने को पेश किया है, जो कारी पर अपना असर छोड़ दे। सोलेहा आबिद हुसैन का तारुफ पेश करती चलूं। इनका असली नाम मुसद्दात फातिमा था, ख्वाजा गुलाम सकलेन की बेटी थी। 1913 में पानीपत में पैदा हुई। इनका ताल्लुक ख्वाजा हसन से भी था, यही नहीं बल्कि डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की थी, और बचपन ही से पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक रखती। नेक्स्ट, सोलेहा आबिद हुसैन की खूबी ये भी थी कि वो नॉवेल नवेसी के साथ साथ अफसाना निगारी में भी महारत रखती थी। उन्होंने अपनी तहरीरों में यानी राइटिंग में इंसानी और तहजीबी कदरों को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की, औरतों के मसले को, सामाजिक बुराइयों को इस्लाह लाने की कोशिश की। इसी पर हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत सारी तख्लीकात लिखी जिनमें कुछ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अजरा, आतिशे खामोश, कतरे से गौहर होने तक, बातचीत, जाने वालों की याद आती है, यादगार हाली और यादों के चिराग। हाजरीन आपको ये भी बता दूँ, स्कूटर वाला और चिड़िया चिड़े की कहानी, उनकी ये भी अफसाने काफ़ी लोगों ने पसंद की। अब आपके सामने कि मगर वो टूट गई, आखिर ये है क्या? ये अफसाना, अफसाने के मायने होते हैं कहानी, हकीकी कहानी या गैर हकीकी कहानी, जो आपकी ज़िंदगी में हुई हो या जो आप जिससे आप मुतासिर होकर उस पर कहानी मुतासिर होने पर आप किरदारों की शक्ल में बयान कर रही हैं। ये एक कहानी घरेलू जिंदगी पर मुबनी कहानी है जिसमें मरकजी किरदार एक औरत है यानी बीवी। मियाँ बीवी के अज़दवाजी ज़िंदगी को इस कहानी एक उथल पुथल तरीके से बयान किया गया है कि किस तरीके से दोनों की जिंदगी में उथल पुथल चल रही थी। शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके थे। 15 साल होने के बाद भी जो है दोनों के दरमियानी रिश्ते में खली जा जाती है, जबकि दो खूबसूरत लड़कियां और एक बेटा भी है उनकी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उनका शौहर किसी और गैर खातून से अपना रिश्ता बना चुका होता है, और जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है। लेकिन बीवी हर वो कोशिश करती है कि वो अपने रिश्ते को बचा सके। वो ये फैसला लेती है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त करेगी और अपनी शादी बचा लेगी, लेकिन शौहर फैसला ले लेता है कि उसे आखिरकार छुटकारा चाहिए, वो अब इनके साथ नहीं रहना चाहता, और वो 3 लफ्ज बोलकर छुटकारा पा लेना चाहता है। और जैसे ही वो 3 लफ्ज बोलता है, जिसे कहते हैं तलाक, और वो फौरन ही टूट जाती है, और इसी पर इस मौजू का नाम ही रखा गया मगर वो टूट गई। हाजरी, गौर करने वाली बात ये है कि इस कहानी में 2 रुख हैं। कहानी में जहां लड़कियों
पर जुल्म की दास्तान बयान की गई है, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर भी तंज किया गया है, क्योंकि दो लोग गलत नहीं हो सकते। कहीं कहीं औरतें गलत होती हैं तो कहीं मर्द गलत होते हैं। ये कहानी में माशरे की खौतीन की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात का मुकाबला करती है। दौर जहालत में लड़कियां काफी पढ़ी लिखी नहीं थी। उस वक्त उन्हें यही बोला जाता था कि आपको हर हाल में अपने घर में रहना है, रो धोकर मायके वापस नहीं आना है, और लड़कियां वैसा करती भी थी। लेकिन आज का दौर जो है मॉडर्नाइजेशन दौर है, जदीद दौर है, जहाँ लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपना फैसला खुद ले सकती हैं, वो खुद मुख्तार होकर अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद भी बीवी किसी न किसी तरह खो अपने खानदान की इज्जत अपने बच्चों के खातिर निभा करने की कोशिश करती है। सोलेहा अबिद हुसैन की ये कहानी जिस जमाने में लिखी गई थी उस वक्त लड़कियां काफी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, बावजूद उसके वो खामोश रहना पसंद करती थी। लेकिन आज की औरत बेदार है, आज की औरत अपना हक जानती है। वो टूटेगी लेकिन अपने आप को बिखरने नहीं देगी। वो शौहर के इस घिनौने अमल के बावजूद खामोश नहीं बैठती। उसको सदमा तो जरूर पहुंचता है लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक नया अज़्म बेदार होता है, जो कि इस कहानी में बयान किया गया है। जब सबक शुरू हो रहा है नागरी, तब शुरू के 3 इक्तबाज में ही इसकी गर्मी खुलना शुरू हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबक में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में सोलेहा आबिद हुसैन ने जगह जगह अंग्रेजी अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मुहावरों का इस्तेमाल किया। यहाँ मैं आपके सामने सबक का 3रा पैराग्राफ पेश कर रही हूँ। शादी या बर्बादी, कितनी बर्बादियां मैंने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की जिंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुशी, इसके टीचर की तनहा और उदास जिंदगी, 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियां उसने देखी थी। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है, सवाल कर रही है। औरत तो मर्दों ही को इल्जाम देती है, औरत तो मर्दों को ही इल्जाम देती, यानी वो ये भी कहना चाह रही है कि औरत घर बनाने में और घर को उजाड़ने में एक अहम रोल अदा करती है। नाज़रीन ये बता दूं आपको कि किसी भी रिश्ते को निभाने में मर्द और औरत दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से कोई भी गाड़ी बिना पहियों के नहीं चल सकती, इसी तरह औरत और मर्द की भी जिंदगी बिना मर्द के औरत अधूरी और बिना औरत के मर्द अधूरा है। ये क्या हकीकत नहीं कि शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाना दोनों की जिम्मेदारी है या सिर्फ औरत की जिम्मेदारी? साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाकें, ये सिर्फ औरत का कसूर है। शायद वो चाहे वो सहारना सीखे, घर बनाना, बिगाड़ना नहीं। और जो कुछ उसने रिश्तों के नाम यहाँ बताए हैं, जैसे कि उन्होंने भाभी का जिक्र किया है, अपनी अम्मा का, टीचर का, मनोरमा का, तो आपको ये बता दूं वहाँ पर ही वो उनकी खामियों के बारे में भी बता रही हैं कि भाभी का मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा था, खुदा की पना, बाजी की खुददारी आन बान शौहर से ज़्यादा मुकाबले में, मनोरमा हद से ज़्यादा हसास ना होती तो इतनी बेजुबान ना होती तो शायद खुदकुशी ना करती। यानी कहीं ना कहीं वो इस बात पे भी तरजीह दे रही है कि औरत भी जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को या रिश्तों को ना निभाने की। 15 साल का अरसा गुजरने के बाद ये एक पढ़ा लिखा शौहर, जिसने ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बल्कि एक बड़े ओहदे पर फायज है, उसके बाद जब 2 लड़कियां जो हैं पैदा होने के बाद इसका मिजाज बदल जाता है कि इसने मुझे अब तक बेटा नहीं दिया, तो यहाँ पर भी उसका बर्ताव बदलता है तलाक की वजह के लिए। आखिरकार एक बेटा भी पैदा होता है। 1 साल तक बहुत अच्छी रहती है जिंदगी, शौहर अपनी बीवी पे बहुत तवज्जो देता है कि अरे बेटा पैदा हो गया। लेकिन अचानक ही कुछ सालों के बाद ना वो अपनी बीवी, ना अपने खूबसूरत दो बच्चों और ना बेटे पर तवज्जो देती है। अब उसकी जिंदगी में कोई एक गैर खातून आ चुकी है और उसका दिल उसकी तरफ मायल हो चुका है।
और वो अपनी बीवी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो हर बार कोशिश करती है कि मैं निकाह करूंगी, मैं अपनी शादी बचाऊंगी। आखिरी पैराग्राफ आपके सामने पेश कर रही हूँ। नहीं, ये शादी नहीं टूट सकती। मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर इसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की जिंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों वो पछताएंगे और वो लड़की वो खुद अपने उन्हें छोड़ देगी। मैं मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। अचानक ही बेगम साहब, आपके नाम का खत। मुलाजमा, एक बड़ा लिफाफा इसके कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है, इसका दिल लरस रहा था। बड़ी देर बाद इसने लिफाफा चाक किया। आह, वो टूट गई। तलाकनामा इसके हाथ से फर्श पर गिरा पड़ा था। वो फटी फटी आंखों से दीवार को तकते जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ा रही थी, मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई। नाज़रीन, सबक में अफसाने को जब लिखा गया तो अफसाना जब भी लिखा जाता है तो अज़ाए तरकीबी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होती है। अज़ाए तरकीबी लिखने का तरीका, किस बिना पे कारी के जहन और दिल पर अफसाना असरअंदाज होगा। मैं आपको अफसाने की अज़ाए तरकीबी भी बताती चलूं। अफसाने की अज़ाए तरकीबी में प्लॉट, मौजू, मकालमा, टेक्निक, जुजियात निगारी, जबान बयान, किरदार निगार अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पीपीटी। प्लॉट क्या है? प्लॉट वाकियात के ताना बाना बुनने के नाम को प्लॉट कहते हैं। प्लॉट, इस अफसाने का प्लॉट बहुत ही सादा और कहीं कहीं पेचीदा है, लेकिन कारी को कोई भी उलझन नहीं हो रही है। वाकिया दर वाकिया बराबर जा रहा है, कोई झोल पैदा नहीं है। किरदारों के रवैये जो है सामाजिक सूरत हाल की वजह से दिखाई दे रही है। मौजू की वजाहत साफ तौर पे की गई है, मगर वो टूट गई। जैसे ही कारी या बच्चे सबक को पढ़ना शुरू करेंगी, तीसरे ही पैराग्राफ में उन्हें समझ में आ जाएगा कि सबक का उनवान यानी मौजू क्यों रखा गया है, मगर वो टूट गए। मकालमा, मकालमे का मायने होते हैं बातचीत, जब दो किरदार आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मकालमा कम वक्त के लिए है। मकालमे की वजह से किरदारों के जज्बात और एहसास एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जो और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं हमारे इस अफसाने को। अफसाने में टेक्निक जो है वो फ्लैशबैक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, यानी वो सीन बताया गया है जब शुरुआती सीन, जब उनके लिए रिश्ता आया था और खानदान वाले जो है उनके बारे में, उनके अब्बा की राय क्या थी, अम्मा की राय क्या थी, भाई और दूसरे दिगर लोग क्या कह रहे थे, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहती थी, उन्हें पढ़ाई करनी थी और घर वाले चाह रहे थे कि ये शादी कर ले। आखिरकार उन्होंने घर वालों की बात मानी। यही टेक्निक जो है इसमें यूज की गई है, ये फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल कर बयानिया तरीके से, यानी बातचीत के तरीके से जो है इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। कहानी में जुजियात निगार, यानी कि कहानी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अफसाने जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो हिस्सा जहाँ पर मर्दों के बारे में बताया जा रहा है, और एक वो हिस्सा जहाँ औरत के बारे में बताया जा रहा है, कि दोनों का ही अहम रोल है, बिना दोनों के जिंदगी आसानी से नहीं चल सकती। अब यहाँ पर आ रहे हैं किरदार निगारी। किरदार निगारी की नौयत अजीब और गरीब है, क्योंकि किरदारों को यहाँ नाम नहीं दिया गया है, उसे उन्हें कहकर बुलाया गया है। कुछ जगहों पर खाला, फुपियाँ और अम्मी, अम्मा वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, ताकि किरदारों को आसानी से बयान किया जा सके। इंसानी रिश्तों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि सबक में जिद्दत और शिद्दत पैदा की जा सके। जबान और बयान, सोलेहा अबी हुसैन की खूबी यही है कि उन्होंने अफसाना लिखते वक्त जो है बहुत ही सलीस, यानी कि सादा और आसान जबान का इस्तेमाल किया। जगह जगह अंग्रेजी अल्फाजों का भी इस्तेमाल सबक में मौजूद है, और बरमहल मुहावरों का, साबकी और लाहौकों का भी इस्तेमाल किया गया है। सबक पढ़ते वक्त कारी जो है बहुत देर तक मसरूह हो जाएंगे। सबक शुरू जहाँ से हो रहा है वहाँ का मैं आप सबसे पहले बता देती हूँ कि
क्या मैं स्टैम्प पर लिख कर दूं और तुम मेरे बगैर? मैं खूब रह लूंगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, इसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ दो। वो गुमसुम हैरान होकर मुंह तकती रही और ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह से चीख निकलने लगी, नहीं आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे बेटियां, बेटा है, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं आपकी जरूरत है, बच्चों को बाप की जरूरत है। ये जुमला इस बात की तरजीह करता है कि वो हर तरीके से अपना रिश्ता बचाना चाहती है। बकेजा, और ये कहते हुए वो बाहर निकल गया, यानी कि उस मर्द पर कोई भी असर नहीं हुआ और उसने अपना रिश्ता बड़ी ही आसानी के साथ छोड़ दिया। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो तीन बच्चों का बाप है, न सिर्फ बाप है बल्कि वो एक ऐसी औरत का दिल आजारी कर रहा है जिसने उसके न सिर्फ गम खुशी अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया। उसने सिर्फ अपने आप को आगे रखा, अपनी खुशी को आगे रखा और उन तमाम चीजों को जो उसकी बीवी ने उसके लिए किया उसे वो भूल चुका है। कहते हैं औरत को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक वो खुद टूटना ना चाहे। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कितनी मजबूरियों को पलकों पे सजा लेते हैं, कितनी मजबूरियों को पलकों पे सजा लेते हैं, हम कहां रोते हैं, हालात रुला देते हैं। नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट सबसे अहम बात यह है कि सबक में अपने खानदान की इज्जत, अपने बच्चों के बारे में सोचना, ये तमाम चीजों पे ज्यादा तरजीह दी गई है। मुसन्निफा ने यानी कि सौले आबिद हुसैन ने शादी को बचाने की बारे में बताया है कि किस तरह औरत जो है पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब शौहर ही साथ ना दे तो कोई किस तरह अपनी शादी बचाए। पूरे अफसाने की हीरोइन जो है वो बीवी है। पूरे अफसाने में जो हीरोइन है, जिसे जो भी बीवी के लकब से जानी जा रही है, वो किस तरह हालात से निभा करना जानती है और उसने इस बात को पेश भी किया है। बच्चों, जब एक अफसाना लिखा जाता है, आप भी अफसाना लिख सकते हैं, अफसाना आम हो चुका है, अफसाना लिखना है, इसीलिए मैंने आपको अज्जाए तरकीबी का फन से नवाजा, आशना करवाया। अज्जाए तरकीबी अगर आपको पता चल गई है तो आप आसानी से अफसाना भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से मुसन्निफा ने लिखा, जिस तरीके से फिल्मों में हमने आपने देखा होगा, फिल्मों में भी जो कहानियां बनाई जाती है वो अफसाने होते हैं, जिसे रियल स्टोरी कहा जाता है। तो आप अपनी ही जिंदगी पर मुबनी किसी भी कहानी को एक तहरीरी शक्ल में लिख सकते हैं, जिससे आपकी तहरीरी सलाहियत जो है फरोग पा सकती है और वो और बेहतर होती जाएगी। कहानी लिखते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमारा जो प्लॉट हो वो बहुत अच्छा हो, पेचीदा ना हो, आसानी के साथ हमें समझ में आए। दूसरी बात ये कि अफसाने में हमेशा ही हकीकी चीज़ों को पेश करना चाहिए, सामाजिक बुराइयाँ पैदा ना हो, सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए और लोगों तक पैगाम पहुंचाने में अफसाना एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट पीपीटी। यहाँ पर बच्चों अलग अलग मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे फटी फटी आंखों से तकना, यानी बहुत सदमे में आ जाना, खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना, आंख से ओझल होना, गायब हो जाना, हजारों में खेलना, बहुत ज्यादा खुश हो। अफसाने में एक जगह पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मिजाज शनास, जिसमें शनास लाहिका है, लाहिक यानी बाद में और साबिक यानी पहले। आपको अफसाने से ऐसे ही अल्फाज भी निकालने होंगे जहां पर लाहिके और साबिके का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं,
साथ ही साथ पूरे अफसाने में जिन अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उन अंग्रेजी अल्फाज को उर्दू में क्या कहते हैं। आपको इसके लिए पहले से लुगात का इस्तेमाल करना है और लुगात के जरिए जो है उनके अंग्रेजी के उर्दू मायने तलाश करने हैं। सबसे अहम सवाल कि एक तालीम याफ्ता मर्द होने के बाद लड़कियों के पैदा होने पर नाराज होने का सवाल पैदा हुआ, क्या आपको ये सही लग रहा है? क्योंकि आज लड़कियां किसी भी लड़के से कम नहीं है, दोनों ही लड़का या लड़की या मर्द औरत शाना बशाना एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक शोबे में तबाह आजमाई कर रही है। हाजरी, अगर आपको इस अफसाने में किसी भी तरह की मुश्किल या दिक्कत पेश आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं दौरान जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अफसाने को अगर आप चाहते हैं अच्छी तरीके से समझ में आए और इसकी ग्रहें एक के बाद एक खुलती जाएं तो इस अफसाने को आपको तकरीबन एक नहीं दो नहीं तीन मर्तबा पढ़ना है। और अफसाना पढ़ते वक्त मैंने पहले भी कहा फिर कह रही हूँ, अज्जाए तरकीबी प्लॉट मौजू मकालमा टेक्निक जुजिया निगारी जबान बयान मंजर निगारी और किरदार निगारी पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि हम कैसे किरदारों को लिखें जिससे अफसाना जो जान पैदा कर सकता है। नेक्स्ट पीपीटी। मिस अंसारी यू हैव हार्डली अ मिनट टू कंक्लूड दिस प्लीज। अफसाने का जो कहना चाहिए वाकया है वो कहीं भी कहानी में उलझन पैदा नहीं कर रहा है। अफसाने का दूसरा कहना चाहिए सूरत हाल किस तरीके से है कि सामने कारी को पूरी तरीके से समझ भी आ चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफसाना समझ में आ गया होगा। तमाम बच्चों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इस अफसाने को पढ़ें और इसका खुलासा भी लिखें और मौजू की वजाहत मगर वो टूट गई इसे भी बयान करें कि आपको क्या समझ में आया। जी उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस अंसारी बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने आज का ये पाठ पढ़ाया और मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कि कैसे हम सभी लोगों को समान देखें समान समझें उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला ये पाठ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हमारा ये जो सेशन है उर्दू का हम इसे यहाँ समाप्त करेंगे और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स से जुड़ा हुआ एक अनाउंसमेंट भी है मेरे पास। जो हमारी NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं 2023-2024 की वो पूरे देश भर में उपलब्ध हैं और NCERT के जो सेल्स काउंटर्स हैं जो कि नई दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं वहाँ पर ये सभी उपलब्ध हैं और ये सभी जो हमारे सेल्स काउंटर हैं सभी वीकडेज़ में खुले हुए हैं चाहे वो गजेटेड हॉलीडेज़ हों सैटरडेज़ हों या संडेज़ हों। सुबह 9:30 से शाम 6 तक आप यहाँ से इन पाठ्यपुस्तकों को ख़रीद सकते हैं। आप चाहें तो इन बुक्स को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं ncertbooks.ncert.gov.in और ये जो पुस्तकें हैं ये आपके घर पर जो है पहुंचाई जाएंगी वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ये सभी किताबें ये सभी पुस्तकें जो है PDF फॉर्म में भी उपलब्ध हैं तो उसके लिए जो कि जिन्हें आप मुफ्त में डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके लिए आप NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को देखें और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट देखें ncert.nic.in जिस पर हमारे जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं उनकी भी लिस्ट है जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये पाठ्यपुस्तकें कहाँ मिल रही हैं। इसी के साथ हम अपना ये उर्दू का सत्र समाप्त करते हैं, थोड़ी देर में हाजिर होंगे अगला सेशन लेकर। देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।